आज से झारखंड में तमाम जो झारखंड के जिले हैं वहां बस का परिचालन आज से शुरू हो गया है। मैं इस वक्त ITI बस स्टैंड के पास हूं और यहां का स्थिति लॉकडाउन से पहले का ये थी कीजिए तो यहां काफ़ी भीड़ लगता था और हर 5-5 मिनट पे गाड़ियां खुलती थी। सुबह से कई को गाड़ी भेजे हैं? अभी तक 10 से 12 गाड़ी गई है सुबह से। तो कितना पैसेंजर लेके जा रहा है अभी? तीन चार पाँच छः, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। एक बस में खाली 5-6 आदमी जा रहे हैं जी। कई सरकार तो ज़्यादा का ऑर्डर दिया है। सवारी निकलेगी तो सबको तो डर लगा हुआ है इस बीमारी से, मन में तो सबका डर बैठा हुआ है। जिसको ज़्यादा ज़रूरी है वही निकल रहा है। तो तब तो गाड़ी घाटा में ना जा रहा होगा? हाँ, घाटा में तो जा ही रहा मालिक को। एक आदमी का डाल्टनगंज का क्या भाड़ा अभी? 200 तो पहले ही ना था जी। हाँ, तो बढ़ा के हुआ, डबल उसको कर दीजिए तो 400 बोलिए ना, 200 बोल रहे हैं। 400 हुआ भाई? हाँ, पुराना भाड़ा हम बताएं आपको 200। 400 तो चार को आदमी बचते थे 2000, तो 2000 से अधिक का तो तेल जल गया। तो सब दिन एक खोजिएगा, किसी दिन घाटा भी तो सहना पड़ता है। और आज तो स्टार्टिंग है पहला दिन। तो ऐसा काहे नहीं किया कि मतलब पूरा बस में जितना सवारी है 20 गो हो जाए तब बस खुले, कि टाइम से खुल रहा है? टाइम से खुलता है, सबका टाइम है ना, सबका टाइमिंग है, परमिट है। तब तो सब गाड़ी वाला ओनर लॉस में जाएगा। लॉस में जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है आपको? मैं अपर बाजार से हूँ, मेरे को डाल्टनगंज जाना है। अच्छा, लॉकडाउन के बाद पहली बार जा रहे हैं? हाँ। तो आप मतलब यात्रा सेफ लग रहा है आपको पूरी तरीके से? अभी तक तो सेफ लग रहा है। सरकार का ये फैसला कैसा लगा आपको बस खोलने वाला? सरकार का फैसला अगर नहीं खोलेंगे तो हम लोग मिडिल क्लास के आदमी लोग जाएंगे कहाँ? तो कितना महीना से आप सोच रहे थे जाने के लिए डाल्टन में? इतने महीने के नहीं, ये इमरजेंसी हुई तब जाना पड़ रहा है, जाने के लिए एक महीने से नहीं सोच रहे। अच्छा, लॉकडाउन में कहीं गए आप? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। इमरजेंसी है, किसी की तबीयत खराब हुई अपने फैमिली रिलेशन की, तो उसी को देखने जाना। कितना पैसा लगा आपको? एक आदमी पहले 200 लगता था, अभी 400 रुपये लगा। चलिए 200 रुपये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो विनय कुमार सिंह है जी। कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है। तो आप गाड़ी स्टाफ हैं? तो ऐसा ही घूमने आए हैं। ऐसा है, रौनक पहले घूमते थे कभी? डेली घूमते हैं। और अभी का रौनक में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, अगर सरकार का रौनक आने देगा यहाँ झारखंड में, सब अपना देख रहा है। यहाँ 60 लाख की गाड़ी लेकर अपना गाई समझ कर रहा है कि ये कोरोना में 1.5 लाख रुपया सरकार का केंद्र सरकार से आता है। हाँ। यहाँ 100 रुपये का दवाई दे देता है बुखार सर्दी का, बस इसको कोरोना धर लिया। तो आप क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बैलगाड़ी में चले का, कि आपकी तरह पैदल चले? पैदल चलवे करेगा तो का? नहीं नहीं, सुनिए ना। हाँ। उनका गाड़ी हो गया, वो तो सरकार का गाड़ी है। ये सरकार गाड़ी है। हाँ। 6 महीना पहले कहा ना सरकार गाड़ी चल रहे थे? हाँ? जरा मुख्यमंत्री था तेना कहा ना गाड़ी से चल रहे? अरे तो उनको तो थ्रेटनिंग आया ना विदेश से, जान से मारने का धमकी आया, वो नहीं देख रहे? विदेश से आया तो विदेश जनता में नहीं बांट सकते थे? आपने क्या किए, आपने क्या किए वो जनता के लिए? क्या किया मुख्यमंत्री? का आपको कैश दे देखा? हमको कैश कहाँ देंगे अकाउंट में? जनता के लिए क्या कर देते हैं? सबको लिए बोले कि हम व्यवस्था किया हॉस्पिटल का, इलाज का व्यवस्था किया। कोरोना 6 महीना तो कितना जनता मर गया, ढबिया कहने सोने व्यवस्था क्या करेंगे? पैदल नहीं चलेंगे तो कहाँ घूमेंगे ऊपर? हम लोग का डबल भाड़ा, हम लोग का डबल भाड़ा। अब अपने घूमेगा 7 लाख का गाड़ी में? हाँ जी, पैसा बहुत दिन बाद दिख रहा है। कह गो आदमी का काटे आप? आप काटे? चार सवारी काटे हैं। चार सवारी? अच्छा, तो कितना अभी तक ये बस में आदमी हुआ? 4 सवारी हुआ अभी तक। सैनिटाइजर वैनिटाइजर कहाँ है जी? अरे कहाँ रख दिया जी सैनिटाइजर? सवारी आज तक हमारे इधर पैकेट में लेके रखे हैं। देखे हाथ पे दर्द है, ओरिजिनल सैनिटाइजर लेके चल। सब सवारी के दे रहा है? अब बुखार नापे वाला? बुखार नापे वाला है? बुखार नापे वाला भी है। दूर दूर बैठा रहा है ना जी? दो सीट में हम चेक करेंगे। ये नहीं कि तू लोग ऐसे कर देना कि ऐसा सैनिटाइज वैनिटाइज होता है जी, रडवा वडवा ये नहीं कि झूठो का बुढ़। अरे कहाँ से गाड़ी लाया जी, इतना पुरान गाड़ी तो नहीं चलता है? ये कहाँ था जी?
लगा है कि सीधा घर थी मैं, इसीलिए जंग लग गया। ये तो अभी खाली है जी गाड़ी, सूंघते हैं, सैनिटाइजर मारा है कि नहीं। हाँ सर, नाक से लगा के सूंघ रहा है। चेक करेंगे ना, चेक करना तो आपका फर्ज है। सैनिटाइजर मारिए, इस सब में सब हैंडल वैंडल में मारो, यहाँ सैनिटाइजर महक नहीं रहा। हाँ ये हाथ जो जो पकड़ रहा है, अरे डेली मशीनवा से नहीं करा रहे हैं आप लोग? कहाँ जी मशीन से नहीं कराते हैं? मशीन का भी व्यवस्था आज तो खुला है, व्यवस्था भी नहीं हुआ है। वो थर्मोमीटर कहाँ है? अथी वाला टेम्परेचर मीटर आ रहा भाई, अभी गाड़ी खुला नहीं ना है। आगे वाला गाड़ी में गया नापने, नाप के उसको लेके आएगा फिर इसमें नपाएगा। एक ही कंपनी का था गाड़ी। अच्छा, सुबह से टोटल ऐसे कितना गाड़ी खुला और कितना आदमी गया ये बताइए हमको। कंफर्म तो हम नहीं है, लेकिन 15 गाड़ी गया है। 15 गाड़ी गया है? 15 गाड़ी गया, 15 गाड़ी खाली आप ही डालते हैं रोड में? हाँ टोटल, मतलब गुमला सिमडेगा जहाँ, मतलब जो गाड़ी 15 को टोटल बस गया है। आम दिन में कितना गाड़ी चल जाता है इतना टाइम तक? कम से कम 250-300 सब गाड़ी में भर भर के हो गया पैसेंजर? किसी में नहीं हुआ था, पहला दिन में 4 को 5 को 6 को यही लेके जा रहा है। नहीं भर भर का मतलब कि आधा सीट में पूरा भर गया, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में नहीं भी, कैंसिल भी हो गया। हो गया गाड़ी के, थोड़ा सा चढ़ के देख लीजिए कै गो सवारी। एक खुले का टाइम हो गया, कै गो काटे जी आप? एक बोहनी नहीं हुआ, थोड़ा सा चढ़ के देख लीजिए। कहाँ जाता है? चतरा जाता है। एगो आपको नहीं मिला पैसेंजर? 1 बजे के बाद गाड़ी, 1 बजे के बाद अभी जा रहे हैं, एगो चतरा सवारी नहीं है। एगो सवारी नहीं, 1 बजे चतरा खुला था, अभी 4 घंटा तक यहाँ से 1 बजे टाइम जो इससे पहले गाड़ी गया वो 1 बजे चल गया, 1 बजे के बाद अभी हम टिकट काट रहे हैं। अब अभी तक एगो चतरा सवारी नहीं आया। आम दिन में कितना आदमी मिल जाता था? और दिन आम दिन तो वैसे हम लोग को 15-20 मिनट में मतलब गाड़ी भर जाता था, 15-20 मिनट में बाहर जाता था। तो का फायदा हुआ जी गाड़ी चलाने? चले यहाँ ये सब खाली है, ये गाड़ी थोड़ा ठीक है। मोर्चा उर्चा कैसे लग जाता है जी? कहाँ गाड़ी खड़ा था? खड़ा था गैरेज उरेज में खड़ा था, 6 महीना कहाँ क्या करता लॉकडाउन में। हाँ ये वाला ठीक किया, ये ड्राइवर के लिए ना जी। इसमें केबिन में किसी को नहीं ना बैठा रहा? किसी को नहीं बैठा रहा। हाँ ये देखिए, ये पहनिए पहनिए, वाह ये वाला तो ठीक किए हैं आप, ग्लव्स भी रखे हैं नहीं? चलिए नीचे आइए, आपका गाड़ी है खाली है तो क्या दिखाएंगे गाड़ी का? जी खाली सीट है, 52 सीट में 200 सवारी लेने के लिए बोलते हैं, भला बताइए कैसे पोसाया पड़ेगा? दिखाना होगा ना। चलिए एक घंटा से गाड़ी खड़ा है, 1.5 घंटा से, 1.5 बजे से गाड़ी खड़ी है, अभी तक एक सवारी नहीं हुई है। आप ड्राइवर हैं? जी नहीं कंडक्टर है। कंडक्टर हैं आप? एजेंट लोग कहाँ है जी? कितना कमीशन मिल रहा है? सेल पे मिल रहा है कि सीट पे मिल रहा है? सेल पे, सेल पे कहाँ मिलेगा इसमें? कोई जाएगा आएगा तब तो मिलेगा। कितना कंडक्टर होगा, खलासी ड्राइवर ये सब मिला के यहाँ जो यहाँ से जी खा रहा था? एक गाड़ी में आपका देखिए एक एजेंट होगा, एक ड्राइवर होगा, एक खलासी होगा, एक कंडक्टर होगा, एक बुकर होगा, तो 5 आदमी एक गाड़ी में हो गया खाली रांची स्टैंड से। और इसमें अभी कुड़ू जाएगा तो कुड़ू में अलग होगा, हल्ला जो करते हैं लोग जो हल्ला कर कर के फिर गाड़ी धोने वाला भी होगा, साफ करने वाला, गाड़ी धोने वाला भी है, बहुत आदमी बेरोजगार हुआ। चलिए अब आप लोग का कुछ आएगा ना, दाल भात का तो पैसा आ जाएगा कि नहीं आएगा? कहाँ से आएगा दाल भात का पैसा? क्या बोलते हैं चना खाने का पैसा नहीं आएगा? देखिए ये दुकान उकान खुला है जी, आधा बंद है क्या? ये कहे नहीं खुला? अरे कै बजे से खोले आप दुकान? 6 बजे। कितना का माल बिका? 700 को बेच दिए। 700 का बेचे हैं? ऐसे आम दिन में कितना का बेचते थे? ऐसे आम दिन में 2-3 हजार का बेच देते थे। अच्छा आज दुकानों उतना नहीं खुला तब भी 700 रुपया का सेल हुआ है? क्या कीजिएगा भैया, अभी पैसेंजर नहीं, गाड़ी नहीं उतना चल रहा। तो ये पुराने बोतल बेच रहे हैं जी, पानी वाला है? पुराना बोतल पानी वाला नहीं बेच रहे, उसको साफ करना है भैया, पुराना को उसको देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये बोतल दे रहे हैं पब्लिक को ही नहीं कि हम। अच्छा आज का डेट देखिए, पेटी गिराए हुए हैं।
और नया पानी का बोतल नया पानी दे रहे हैं ये खाली ऐसी सजा के रखे सजाने के लिए। ये सब माल फंस गया कि कंपनी वापस ले लेगा? वापस लेगा, वापस लेगा। चलिए देख लीजिए, दुकान बंद था अकानी। इधर का है, आपको कहीं जाना है? कहाँ है आपका दुकान? ये सब बंद है जी। आपका कौन चीज का दुकान है? चना का? मेरा चना का। के माल उल बिका जी? कुछ हल्का फुल्का बिका। कितना रुपया का बेचे? सब सत्तू चना सब दुकान तो पहले चलता था? चलता था, तो आज से बस खुला है, तो आज ही जगह दुकान खुलेगा। तो ये लोग को जानकारी नहीं था कि मतलब बस आज से चलेगा, इसलिए नहीं आया है कि क्या वजह? नहीं, नहीं, जानकारी था लेकिन गाँव देहात चला गया। बाजार का स्थिति जैसा है ना, उस हिसाब से जो मान लीजिए कोई काम पकड़ लिया तो अचानक नहीं ना छोड़ सकता। तीन तीन चार चार महीना से बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कोई जॉब पकड़ लिया। अच्छा, दूसरा काम भी शुरू कर दिया। ये दिखाओ जी, यहाँ देखो पूरा सन्नाटा पसरल है। कब? हाँ, घास तो उगिएगा ही, अब इतना दिन बारिश पड़ा, कोई आया गया चला नहीं। ये एकदम लग रहा है ना इस तरीके से कि रौनक ही खत्म हो गया हो स्टैंड का, जबकि यहाँ हमेशा हल्ला गुल्ला और आपको भीड़ भाड़ दिखता था। अभी कहानी बहुत दिक्कत है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं रांची से ही। कहाँ जाना है आपको? गढ़वा। गढ़वा मिला टिकट? हाँ, टिकट मिल गया। कितना लिया पैसा? 480। 480 में लिखता है 400। ऐसा डाल्टेनगंज जहाँ का डबल हो गया। अच्छा अच्छा, डाल्टेनगंज का 400, गढ़वा का 480। हाँ, 480 दे रहे हैं। हाथ पे मारा सैनिटाइजर? इसे बैठे नहीं है, बैठे बोला कि बैठने समय मारेंगे, चेक करेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मशीन रखा है, आप लोग डर होने न लग रहा है कि इन्फेक्टेड हो जाइएगा? अब डर का तो अब मतलब वो तो है, लेकिन अपना सावधानी बरतना है थोड़ा। अपना आपको सैनिटाइजर रखना होगा सर, नहीं कोई उपाय नहीं है बस के पास। फिर भी हम बस वाला से पूछे आप सीट सैनिटाइज किया, तो बोला कि हाँ मैंने किया, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब यही है, अब जब ट्रेवल करेंगे तो पता चलेगा कि मतलब क्या नहीं है। वो लोग अपने तरफ से अस्वस्थ कर रहा है कि सैनिटाइजर पूरा बस है ना, हाथ वोत पे भी दे रहा है, टेम्परेचर ना पड़ा पूरा कर रहा है वो लोग। चलिए ठीक है, एक सीट पे एक ही जाते हैं ना? हाँ, एक आदमी दो सीट परचेज कर रहा है टिकट। अच्छा ठीक है, हम भी थोड़ा घूम लेते हैं। कहीं तो ये गाड़ी जो है तो भाई किसी तरह का बाहर से सैनिटाइज किया हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। बाहर से सैनिटाइज वही तो कह रहा, पानी गिरा ला उसी को सैनिटाइज बोल रहा है। नहीं नहीं, वो तो व्हाइट सीट सैनिटाइज, व्हाइट कलर का वो छीटा उसमें नहीं, नहीं सब सैनिटाइजर का नहीं होता है, वो जो व्हाइट धब्बा हो जाता है ना वो सब सैनिटाइजर से नहीं होता। ये लोग तो स्प्रे दिखाया हमको, ऐसे हम चेक कर रहे हैं जॉन बस के, सुन भी रहे हैं कहाँ का स्थिति है जी। ये कहाँ का बुकिंग हो रहा है सीट? डाल्टेनगंज गढ़वा के। आप कहाँ जाइएगा भाई जी? गढ़वा सर। लॉकडाउन के बाद पहला बार जा रहे हैं? बड़ी दिक्कत है। कितना बुक किए सुबह से? कई गो गाड़ी भेजे सुबह से? कितना 13-14 को गाड़ी गया होगा टोटल। एक गाड़ी में कितना आदमी जा रहा है? 7 को 8 को 9 को 5 को। तब तो मालिक नहीं ना चलेगा, वो तो घाटा हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, तो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है तो अभी तो चलबे ना करेगा, 5 को हुआ है अभी तक। अच्छा, सरकार का जो नियम डायरेक्शन है वो सब फॉलो कर रहे हैं? सैनिटाइजर, टेम्परेचर, गाड़ी सैनिटाइज किए हैं आप लोग? किए हैं। अंदर बाहर सब? सब सब सब। इन्हें ना झूठ बोल रहे हैं? बोल झूठ बोलने का जो बोला गया है वो तो करना ही ना होगा, फॉलो। हाँ, जो फॉलो वो सब कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें कमी नहीं। और मशीनवा किन के लाए? इसे मशीन है, मशीन आप रहे हैं, चेक करी का मशीन सब चेक है, सब चेक हो रहा है, सब चेक करके बैठा रहे हैं। मशीन कहाँ है आपका? देखें कंडक्टर के पास है? चले इधर आइए, हम थोड़ा देखे बस का हाल। अरे ये तो केबिन में किसी को नहीं चढ़ना, आपका तो रास्ता केबिन में होके जा रहा है जी। अच्छा, यहाँ बैठेगा नहीं, खाली चढ़ के चल जाएगा? ठीक है, ऐसे दूर दूर बैठा है जी। ये दोनों सीट आपका है ना? कहाँ जाना है आपको? गढ़वा। क्या रुपया लिया एगो सीट का? 480 रुपया। और आप अलग दिए 480? हाँ। दोनों आप लोग साथ हैं? तब भी अलग अलग दिया है? इन्हें की साथे आया है, घर में साथे रहते हैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता है साथे, ऐसे नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, ये सैनिटाइज वोनेटाइज कर दिया है?
हम नहीं देख पाए उसमें। अच्छा, टच बोल रहा कि कर दिए हैं। बोल रहा है कर दिए हैं। हाथ हाथ पे दिया सैनिटाइजर? हाँ दिया, हाथ पे दिया। चलिए ठीक है, अभी तो यही हाल है। अब कहीं का और का हम हाल आपको दिखाते हैं। इगड़ालटनगंज पलामू का कहानी इतने तक है। ये केबिन खाली रिजर्व कर दिया गया। बोले कि कितना होगा तो नहीं बैठना है, 100 से पार होगा या 100 तक रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर देना है। रिजेक्ट कर दे, आदमी में नहीं बैठाइए। नहीं, 100 से नीचे रहेगा तो बैठाइए। 97-98 तक बैठाना है। अच्छा, ये कंडक्टर साहब आपको बताएं, सब आदमी का चेक कर रहे हैं आप लोग? हाँ चेक कर रहे हैं। अच्छा, सैनिटाइजर कहाँ है आपका? सबको दे रहे हैं हाथ में। ठीक है, आप बताइए आपको क्या बुझा रहे हैं। ठीक है व्यवस्था ये लोग का? हमने हेमंत भाई से ही कहेंगे ये व्यवस्था ही चलने वाली नहीं है। अच्छा, यहाँ व्यवस्था की बात अलग होती है, काम कुछ अलग होती है। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब से पीएन सिंह के रिश्तेदार होने के नाते, अच्छा, पीएन सिंह के मरने के उपरांत हमने पीएन सिंह के यहाँ गया था, जितेंद्र स्वामी के छोटे भाई होने के रिश्ते। ठीक है, बता। हमने बोल रहे कि हेमंत भाई से हम कहना चाहते हैं कि व्यवस्था ही कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ से गाड़ी चलती है, ना कोई आगे में ब्रियल है, ना कोई सेंट्राइज की व्यवस्था है, ना कोई चिकन की व्यवस्था है। अगर यहाँ पर 40 गाड़ी लगी है तो अगर 10 गाड़ी पर भी मशीन नहीं है। अच्छा, इसलिए हम हेमंत भाई से कहना चाहते हैं कि वो व्यवस्था करें। नहीं, वो क्यों व्यवस्था करेंगे, सरकार व्यवस्था करे। तो मुख्यमंत्री है मतलब, सुनिए, कहने का मतलब रह गया कि अगर गाड़ी चलती है तो क्या सरकार के तरफ से व्यवस्था होना चाहिए या सरकारी कर्मचारी? हाँ, जैसे पैसा सुनने नगर निगम के लोग आते हैं। हाँ, उस टाइप से कोई आदमी आए जो सैनिटाइज चेक करके, सैनिटाइज की व्यवस्था करके, अपने चेक करके गाड़ी भेजे। ठीक है, इनका बात आपको अब समझ में हमको आ गया। ये कह रहे हैं कि यहाँ सरकार का आदमी रहना चाहिए जो गाड़ी को सैनिटाइज करे और टेम्परेचर भी नापे, तब जाके बात होगा पुख्ता। ये ना कह रहे थे आप? हाँ, वही बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे कृष्णा जादव का एजेंट है, यहाँ 20 रुपए का लगेगा पुर्ची काटने, कल से कोई ना कोई नगर निगम एजेंट है तो पुर्ची काटता है, टिकट ले लिया। तो कहने का मतलब हम हेमंत भाई से यही बात रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना आदमी भेजिए, एक टिकट सामान एक सेंट्राइज या मशीन के तरफ से, जो मतलब कि समझ गया। हेमंत जी, इनका बात ध्यान से सुनिए, जो सुझाव दिए उसको अमल कीजिए। हम हेमंत भाई से ही रिक्वेस्ट करेंगे पीएन सिंह के मरने उपरांत। हाँ ठीक है, अब वो हो गया, आप रिश्तेदार हैं, वो क्लियर हो गया। प्रणाम। The followup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in